जी का सबसे अच्छा, सबसे सच्चा या तो बढ़िया पराक्रम कहीं पे दिखता है तो वो है सुंदरकांड। रामायण में अनेक प्रकार की चीजें लिखी है, रामायण शोत कोटि अपारा, अनेक राम हो गए, अनेक रामायण हो गया। और हम चाहते हैं कि हम जैसा चाहे वैसा हो, और हमारे चाहने पर वैसा नहीं होता है तब हमको कष्ट होता है, हमको दुख होता है। तो हमारे दुख का कारण क्या है? हम जो चाहते हैं वैसा होता नहीं। भगवान महादेव जी शादीशुदा हुए, लग्न हुआ, प्रथम लग्न, तो भगवती को कहा कि देवी हम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। और आचार्य तुलसी ने लिखा है, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज ऋषि के यहां, अगस्त मुनि के यहां प्रभु शिव और भगवती सती अम्बा कथा सुनने के लिए गए। तो साथ में कौन था? तो संग सती जग जननी भवानी। साथ में भगवती जगत जननी माँ जगदम्बा भवानी साथ में थी। भवानी शंकरो वंदे, भवानी और शंकर लग्न के तुरंत बाद कथा श्रवण के लिए कुंभज ऋषि के आश्रम गए। काफी दिन तक कथा सुनी, कथा सुन के आ रहे, कथा सुनी और महात्मा ने कहा कि महाराज जी आप कथा सुनाइए। तो महादेव ने कथा सुनी और कथा कही। कहत सुनत रघुनायक गाथा, सुनी और कही। बाद में आ रहे थे तो अद्भुत घटनाक्रम हुआ, प्रभु शंकर को राम जी का दर्शन हुआ। जिस राम की कथा सुनकर आ रहे थे वही राम साक्षात मूर्तिमंत स्वरूप में राम और लक्ष्मण सामने से आ रहे थे। तो भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए, राजी हुए कि जिसकी कथा मैं सुनकर आ रहा हूं उसी का दर्शन हो गया। भाव विभोर हो गए, मगर भगवान श्री हरि परमात्मा ने, विष्णु ने मानव लीला करते हुए राम का रूप लिया था, तो प्रभु शंकर ने लीला में विक्षेप न हो ऐसा मानकर दूर से प्रभु राम को नमस्कार किया। जय सच्चिदानंद ऐसा बोलकर नमस्कार किया, वंदन किया। तब भगवती सती ने कहा कि सच्चिदानंद कौन? तक वो पीछे जो आ रहे हैं ना, वो तो वन वन भटकते हुए दो बालक है, अपनी भारिया सीता को ढूंढ रहे। हे सीते करते हुए राम और लक्ष्मण जा रहे हैं। तो देवी ये दो बालक है मगर प्रभु श्री हरि है, वो विष्णु है। सती कहे मैं कैसे मानता ये राम है? तो शिव जी ने खुलासा किया कि सोई मम इष्ट देव रघुबीरा। हे भगवती सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, आप जिसको देख रहे हैं वो मेरे इष्ट और आराध्य प्रभु राम है। मगर सती ने कहा कि मुझे ये तत्व मेरी बुद्धि में नहीं आता है, मुझे ये समझ में नहीं आता। भगवान शिव की अर्धांगिनी है, रामायण जी का श्रवण करके आई हुई है, मगर फिर भी भगवती जगत जननी माँ जगदम्बा सती अम्बा को राम तत्व दिमाग से परे है। शिव जी बाबा ने बहुत समझाया कि ऋषि मुनि जिसका ध्यान करते हैं, बड़े बड़े योगी जिसका स्मरण करते हैं,
हो रहा। सती कहे कि मैं ना मानूं, तो प्रभु शंकर ने कहा कि तो की न जाई परीक्षा ले हुई। आपको ऐसा लगता है तो आप जाके परीक्षा ले सकते हैं। सती भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए निकली। अभी सती गई तो सोचा कि किसको ढूंढ रहे, तो किस सीता को ढूंढ रहे। मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसे करती हूं, सती सोची कि मैं स्वयं सती से सीता बन जाऊं। यदि वो राम भगवान हो गए तो मुझे पहचान लेंगे। भगवती ने बहुत ही अपराध कर दिया, शिव पत्नी का, राम शिव पत्नी ने राम जी की पत्नी का यानी कि गुरु पत्नी का लिबास वेश ग्रहण कर लिया। आप किसी का वेश तो धारण कर सकते हो मगर उसका गुण और धर्म नहीं आता। सती सीता तो बन गए, रूप स्वरूप धारण कर लिया, मगर उनकी जो मूलभूत लक्षण है सीता के जो संस्कार है वो भगवती सती में नहीं आए। और सती सीता बन के चल रही है और कहावत है कि खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। डुप्लीकेट आप बना तो सकते मगर उसके गुणधर्म उसमें प्रविष्ट नहीं होते। सती अम्बा जो सीता बनी थी वो आगे आगे जा रही है। प्रभु लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया देखिए मां जा रही है। अभी सती को ये मालूम नहीं कि सीता जी कैसे चलते हैं। ऑलवेज सीता जी चलती थी राम के पृष्ठभाग में, राम आगे पीछे सीता अम्बा और उसके पीछे लक्ष्मण। मगर ये तो सीता है नहीं तो उसका धर्म मालूम नहीं है। भगवती आगे आगे जा रही है, प्रभु राम जी ने आवाज लगाई कि हे भगवती, हे जगजननी भवानी, आप विभिन्न में वन में अकेली क्यों फिर रही है। और प्रभु महादेव शंकर कहाँ है, क्षोभित हुई, कष्ट हुआ कि प्रभु मुझे जान गए, कुछ भी बोले वगर सती चली गई। और यहां भगवान शंकर ने विचार किया कि मेरी अर्धांगिनी होने के बावजूद भी मेरे शब्दों में मेरी पत्नी को अनुग्रह नहीं, विश्वास नहीं है, उसका क्या होगा। और जगत प्रसिद्ध चौपाए प्रभु महादेव ने हमको दी है। इस कथा को मैंने इसलिए किया कि जो होता है उसको होने दो। चंचुपात हम कर नहीं सकते, हमारे बस की बात नहीं। प्रयास करो, बेस्ट ड्यूटी आप निभाओ कि किसी भी प्रकार का अमंगल न हो। मगर जो भी होता है, मंगलम अमंगलम यत यत करोतिम इतेश्वरम, जो भी होता है वो हमारे लिए सदा सर्वदा मंगल है, ऐसा मान लो। और अद्भुत चौपाए महादेव ने हमको दी है। आचार्य तुलसी ने लिखी है कि सती जब गई राम जी की परीक्षा करने, तब शंकर भगवान सोच रहे कि सती क्यों नहीं मान रही, सती का क्या होगा, क्या होगा, कुछ समझ नहीं पाए राम। तब प्रभु राम बोले, अद्भुत चौपाए आप सबको आती है, हो यही सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम। इस संसार में, इस जगत में होई सोई जो राम रच राखा, यानी कि जो भी आता है भगवान का प्रसाद, ऐसा समझकर ग्रहण कर ले और ये दिन भी चले जाएंगे। बहुत कोई बहुत सुखी है तो उसको बहुत आनंदित होने की, हर्षित होने की या तो अभिमानित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न जानू जानकी नाथ है सवारे शूथवानू छे,
सुबह होते ही भगवती माँ सीता रानी बनने वाली थी, भगवान राम राजा बनने वाले थे, मगर विधि की वक्रता दोनों को वन में जाना पड़ा। यानी हमारे साथ जो भी होता है उसको स्वीकार कर ले। हमारे दुख का कारण पास्ट और फ्यूचर, हम इसलिए दुखी है कि उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये कहा था। हमारे एक भाई बहुत बढ़िया, उसको पानी लेने भेजो और पानी के साथ बोलो को केला लेके आओ, तो केला भूल जाता है पानी लाता है, पानी केला लाता है तो पानी भूल जाता है, दो चीज साथ में नहीं कर सकते। तो बोले क्यों, मैं भूल जाता हूं। कितनी कृपा है, भूल जाना भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद। मगर हम भूल नहीं सकते, तब वो मिला था मेरे को कैसे देख रहा था, अब देखना मेरे सामने आने दे। हम जिसको नहीं भूलना है उसको भूल जाते हैं, और जिसको भूलने की जरूरत है उसको हम नहीं भूलते, और गा तो लेते हैं कि भूलो पड़ी भवरणे पटकु भवानी, सुझे नहीं लगिर कोई दिशा जवानी, जाड़िया अंधकार दूर करी सदबुद्धि आपो, मां पाहियो भगवती भव दुख का। क्यों तू भूला क्यों पड़ गया, तुझे जो याद रखना था वो तूने नहीं रखा, और जिसको तुझे नहीं पकड़ के रखना था उसको तूने पकड़ के। और भगवान की रचना में एक कान ही दो 180 डिग्री मिली है, बाकी आंख सामने सब मिली, एक पीछे दी होती तो कितना अच्छा होता, ये बैक मिरर लगाने का कोई झंझट ही दे देता ना, ऐसे घुमा रिवर्स लेने में ऐसे रिवर्स ले लो सर्वा हो गया, सौभाग्य हो, एक आगे पीछे कर देते तो क्या, जैसे ये दोनों तरफ यानी कि 360 कवर हो जाता है, 180 इधर का 180 उधर का। तो आंख में ऐसा किया होता तो क्या तकलीफ होती भगवान को, ये सो जाती ये जागती, ये सो जाती ये जागती, यानी कि 24 घंटा व्यक्ति जाग भी सकता। और सबसे अच्छा तो मुझे गाड़ी वाला लगता है, जो पीछे का मिरर ही निकल जाता और रिवर्स गियर में भी चला सकते हैं, जितना भी जाना हो आप, मगर आंख सामने है। तो कान सामने सामने क्यों दीजिए, तुम यहां लगा दिए तो सामने, जैसे स्पीकर हम सामने सामने लगाते हैं। तो कान विपरीत दिशा में इसलिए दिया कि 180 डिग्री है, सीधा यहां से सलिया डालो ना यहां निकल जाएगी सीधा 180 डिग्री में। तो जो श्रवणीय नहीं, जो कुछ काम का नहीं है उसको यहां से सुना, यहां से सुना, ओई सोई जो राम रचिता। हमारे साथ जो भी होता है वो प्रभु की कृपा से होता है या तो प्रभु की इच्छा से होता है। तो आज प्रभु की इच्छा हो गई कि हम हनुमंत कथा को करें। ये हनुमंत कथा बहुत ही अद्भुत कथा है, हनुमंत उपासना बहुत अद्भुत है, जो हनुमान जी के सेवक है उनको मालूम है नाना प्रकार की हनुमंत उपासना, तो अनेक प्रकार की उपासना भी है, पंचवक्त्र हनुमान जी भी अवेलेबल है। पंचवक्त्र महादेव के पांच मुख है, अन्य देवताओं के पांच मुख नहीं है। तो ये पंचवक्त महादेव और ये भगवान हनुमान जी है, वो शिव का अंशा अवतार है। एकादश रुद्रेभ्यो नमः, भगवान शंकर के 11 रुद्र हैं, उनमें 11वें रुद्र अर्थात हनुमान जी महाराज। तो वो 11 रुद्र कौन से, पहला रुद्र है अघोर आत्मा, अघोर। भगवान रुद्र के 11 रुद्र
ओम अघोराय नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम शरवाय नमः, ओम विश्वरूपाय नमः, ओम त्र्यंबकाय नमः, ओम विश्वरूपाय नमः, विरूपाक्षाय नमः, ओम कपर्दिने नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम शूलपाण्ये नमः, ओम ईशानाय नमः, एकादशवे रुद्र ओम महारुद्राय नमः। हनुमान जी का एक नाम महारुद्र है, तो ऐसे रुद्र के अंशावतार महारुद्र की कथा, उसका आधार बनाएगी हम 525 वर्ष पूर्व आचार्य तुलसी ने जिस चरित्र को अद्भुत तरीके से लिखा, रामायण का एक भाग, एक सोपान।